आपका मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में 78 दिनों बाद मिले सबसे कम कोरोना केस। 24 घंटे में 487 लोग पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। कोरोना संक्रमण से 45 मरीजों की मौत हुई है। 10 अप्रैल के बाद एक दिन में सबसे कम मौत हुई है। कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा 24,447 तक पहुंचा है। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 9,000 से कम हुई है। दिल्ली में कोरोना की रिकवरी दर बढ़कर हुई है 97.67%। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोरोना को लेकर अपडेट क्या है दिल्ली में वो हम आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली में 78 दिनों बाद मिले हैं कोरोना के सबसे कम केस। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता आजकल मीडिया में आते हैं तो केवल दिल्ली के सीएम को गाली देते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो जनता ये टकटकी लगाए बैठी थी कि संबित पात्रा लोगों के लिए वैक्सीन लाने की बात करेंगे, ये बताएंगे कि बच्चों के लिए मॉडर्ना फाइजर की वैक्सीन कब उपलब्ध होगी। लेकिन संबित पात्रा ने जनता के हितों के मुद्दों पर बात करने के बजाय अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 15 मिनट तक केवल अरविंद केजरीवाल को बुरा भला कहा, गालियां दी। ये साफ दर्शाता है कि केंद्र में बैठी भाजपा और उसके नेताओं को ना तो देश के लोगों की चिंता है और ना ही उनके पास देश के लिए कोरोना मैनेजमेंट का कोई विजन है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब संबित पात्रा को और भाजपा के बाकी नेताओं को बताना होगा कि भारत के युवाओं के हिस्से की वैक्सीन विदेशों में क्यों बेची। वैक्सीन के लिए जारी किया गया 36,000 करोड़ का बजट कहां गया। भारत में वैक्सीन बने 8 महीने हो चुके हैं, उसके बावजूद देश में वैक्सीन उपलब्ध क्यों नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने केंद्र की भाजपा सरकार से सवाल करते हुए कहा कि वो अब तक कहां सो रहे थे। जब जनता कोरोना से मर रही थी तब वो इमेज मैनेजमेंट चुनाव मैनेजमेंट में क्यों व्यस्त थे। इसका इतना बड़ा नेता 15 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और केजरीवाल ऐसा है केजरीवाल वैसा करता है, तो इसका मतलब देश की सत्ता में बैठी हुई पार्टी के पास में कोरोना मैनेजमेंट के लिए ना तो कोई विजन है और ना उनकी क्षमता है। आजकल ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडमार्क हो गया है कि कोई इनसे पूछे भाई वैक्सीन कब ला रहे हो, केजरीवाल बहुत खराब है, चलो केजरीवाल खराब है वैक्सीन तो ले। देश के लोग वैक्सीन चाह रहे हैं, केजरीवाल के नाम पे गाली सुनना नहीं चाह रहे भारतीय जनता पार्टी से। देश पूछ रहा है वैक्सीन कहाँ है, ये कह रहे हैं केजरीवाल के लिए एक गाली और सुन लो देश। चलिए बढ़ते आगे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने पड़पड़गंज के श्यामा प्रसाद मुखर्जी चेस्ट हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को मेडिकल किट और फल बांटे हैं और इस किट में दवाई, वेपराइजर, मास्क, सैनिटाइजर और साबुन दिया गया है। इस दौरान अनिल चौधरी ने बताया कि कोरोना महामारी जरूरतमंदों की मदद के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान पर दिल्ली कांग्रेस कमेटी के तरफ से आओ मदद का हाथ बढ़ाएं कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत कांग्रेस के कार्यकर्ता जरूरतमंदों तक राशन, खाना, फल, दवाई, ऑक्सीजन के अलावा मेडिकल किट पहुँचा रहा है। काफ़ी तादाद में मरीज एडमिट होते हैं और टीबी जो संक्रमण लंग्स में होता है और आप देखें जो महामारी फैली उसके तहत दिल्ली में बहुत क्षति हुई है। तो हमारा एक अभियान चल रहा है आओ मदद का हाथ बढ़ाएं के तहत पूरी दिल्ली में और जो क्वारंटीन पेशेंट हैं जो ज़रूरतमंद हैं उनको हम एक मेडिकल किट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आदरणीय सोनिया जी का जो हमें निर्देश है और आवश्यकता भी है, तो पूरे देश भर में ये किट बांटी जा रही है। हम 2 दिन पहले मेहरौली चेस्ट हॉस्पिटल भी गए थे, आज हम यहाँ पटपड़गंज में हैं और ऐसे ही कार्यक्रम हमारे निरंतर पूरी दिल्ली में चल रहे हैं। तो आज उसी के तहत आज हम यहाँ पहुँचे। इस किट में क्या क्या है आप, मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। इसमें एक ये किट है, इसमें वेपोराइजर है जो स्टीम लेने का इक्विपमेंट है, इसमें एक मास्क है, मेडिसिन है सिंपल जिसमें विटामिन सी की टैबलेट जो यूजफुल बताई जाती हैं कोविड महामारी में। दिल्ली में कोरोना से मौत के आंकड़ों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। नॉर्थ एमसीडी के मेयर जयप्रकाश ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत के दौरान बताया कि बीते अप्रैल और मई के महीने में दिल्ली नगर निगम की ओर से
35,478 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जबकि दिल्ली सरकार की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो बिल्कुल अलग हैं। दिल्ली सरकार मृत्यु दर के आंकड़ों को छिपाकर अपने हितों को साधते हुए राजनीति कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जहां शुरुआत में दिल्ली सरकार ने मृत्यु दर के आंकड़ों को कम बताकर दिल्ली की जनता को भ्रमित किया है, वहीं अब एकाएक दिल्ली सरकार बड़े भी मृत्यु के आंकड़े बता रही है। और आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर 70,000 करोड़ की दिल्ली सरकार है, जो नागरिकों को किसी प्रकार की कोई सुविधा देने में पूरी तरीके से असफल साबित हुई है। और नए दोनों वेंटिलेटर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, इनमें मेनली पेशेंट्स में नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन पे रखा जाता है पेशेंट्स को, तो मोस्ट ऑफ द वेंटिलेटर्स हमारे नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन दे सकेंगे पेशेंट्स को। और इससे पहले भी जो सेकेंड वेव में भी हमने दिया उसमें भी हमारे पास काफ़ी वेंटिलेटर्स थे, ऐसा नहीं था, और मैक्सिमम कोशिश की थी हमने, और सारी ट्रीटमेंट दवाइयाँ जो कि पिछली वेव में नहीं आ पाई थी कुछ दवाइयाँ, वो रेमडेसिविर से लेकर टॉसिलिजुमैब से लेकर हर सुविधा उपलब्ध थी हमारे पास। इससे उसी प्रकार से डेथ रेट भी बढ़ती जा रही थी, मृत्यु दर भी बढ़ती जा रही थी। अभी अगर हम अप्रैल और मई की बात करें तो दो महीने में लगभग 35,478 जिनके परिजनों की दुखद मौत हुई है उनके हम मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर चुके हैं, जिसमें से लगभग 1,255 अभी पेंडिंग है, वो प्रोसेस में वो भी बन जाएंगे। तो 35,478 बहुत बड़ा नंबर है। और इसको तीनों निगमों में अगर हम डिवाइड करें तो दक्षिण दिल्ली के अंदर 13,560 प्रमाण पत्र हमने अभी तक जारी किए, पूर्वी के अंदर 5,853 हमने जारी किए, और उत्तरी की बात करें तो 16,000 से ज़्यादा हम मृत्यु प्रमाण पत्र अब तक जारी कर चुके। सर, ये जो आंकड़े आप बता रहे हैं काफ़ी बड़ी फिगर है, दिल्ली सरकार की बात की जाए और निगम के आंकड़ों की बात की जाए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिल रहा है, आखिर ऐसा क्यों है, सही आंकड़े क्यों छुपाए जा रहे हैं? ये तो दिल्ली सरकार को बताना चाहिए कि उन्होंने आंकड़े क्यों छुपाए। किसी के परिजन की दुखद मौत हुई है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र तो बनेगा ही, हम उसको रोकते नहीं सकते। अगर किसी के परिजन की दुखद मौत हुई है तो कब्रिस्तान हो या शमशान हो उसका संस्कार तो होगा, और वो ठीक से हो वो हमारी जिम्मेदारी, वो हमने किया है, तो जो काम हमारे जिम्मे था वो काम हम अच्छे से कर रहे हैं। उसी प्रकार से डेथ रेट। गोकलपुर विधानसभा के नेता अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य प्रदीप निर्मल ने कोरोना काल में मिसाल पेश की है, और दरअसल कोरोना महामारी में लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसे में प्रदीप निर्मल ने उस समय लोगों को सेवाएं दी जिस समय लोग ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए दर दर के लिए भटक रहे थे। और इसी को लेकर आज न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने कोरोना काल में प्रदीप निर्मल के कामों को लेकर ग्राउंड जीरो पर आम लोगों से बातचीत की और लोगों से जानना चाहा कि नेताजी कितना पास हुए या फेल। और हमने जाना कि कोरोना काल में भी आपके कार्यालय पर महामारी में उन्होंने लोगों की काफ़ी मदद की, कुछ लोगों को उन्होंने ऑक्सीजन मुहैया कराई तो किसी को रेमडेसिविर इंजेक्शन मुहैया करवाया, और हमारी हकीकत में नेताजी पास हुए। पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक कार्यालय पर, देख जैसा कि कोरोना काल में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, मगर फिर भी देखते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, क्या लोगों के बीच में, जनता के बीच में जाकर के उन्होंने क्या कार्य किए हैं। कहते हैं कोरोना काल में लोग बाग अपने घरों में सीमित थे, मगर वहीं आम आदमी पार्टी के नेता प्रदीप निर्मल जी ने किस तरीके से लोगों के बीच में जाकर के कार्य किए हैं, हम उनसे मालूम करेंगे। मगर यहाँ कुछ लोग भी पहुँचे हुए हैं जो काम कराने के लिए पूरे कोरोना काल में उन्होंने लोगों के बीच में जा करके काम करे हैं, हम उनसे मालूम करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने कोरोना काल में जब लोग अपने घर में सीमित हुए हुए थे, मगर यहीं आम आदमी पार्टी के नेता प्रदीप निर्मल जी ने लोगों के घर जा करके उनसे मालूम करके उनके बीच में जा करके उनके कार्य किए हैं, और पूरे कोरोना काल में ऑफिस कार्यालय के से लेकर के अपने काम सारे किए हैं, हम उनसे बात। आपका नाम? महेंद्र सिंह। आप क्या काम कराने आए हैं यहाँ पर? मैं वोटर आई कार्ड कराने आया। कोरोना चल रहा है, आप इसमें काम कराने आए हैं, किस तरीके से कोई आपसे कुछ कहा गया हो, कुछ काम करने के लिए मना करा गया हो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आए हैं तो काम तुरंत कर दिया। आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ के विधायक भी और जो टीम के सदस्य हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, जो नेता जी हैं और ये निर्मल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है।
हर चीज़ की सुविधा है, जो भी कोई बंदा आएगा बैठो काम अवेलेबल है हर टाइम, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं साथ में प्रदीप निर्मल जी हैं, इनसे बात करेंगे किस तरीके से इन्होंने जाकर के लोगों के बीच में जब इनके पास शिकायतें आई इन्होंने सुन करके उन तक उनके मदद की, हम पूछेंगे। ऐसा है पिछला साल पूरे देश में वर्ल्ड में कोरोना का महामारी रही, इस बार पिछले दो महीने से लोग बहुत परेशान हैं, लोगों को परेशानी बढ़ते के साथ ही लोगों के कॉल आने शुरू हुए, किसी को जीटीबी में एडमिट कराना है, किसी को हॉस्पिटलों में एडमिट कराना है, किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरी करना है, ये सब हमने पूरे महीने किया। हॉस्पिटल के अंदर फ़ोन करके लोगों को एडमिट कराया, अपनी गाड़ी में ले जा करके लोगों को एडमिट कराया, लोगों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई, जहाँ से भी मिली जैसी व्यवस्था कराई, और उनके लिए जैसे जैसे हमारे पास कॉल आती गई हम लोगों की समस्या का हल करते गए, और पूरे लॉकडाउन काल में यहाँ बैठ कर के लोगों का जो समस्या थी, किसी को राशन की प्रॉब्लम है, किसी को कोई भी जैसी प्रॉब्लम आई, घर में समस्या है किसी चीज़ की है, पैसे की है या राशन की है, वो हमने यहाँ बैठ के हल की है, जो भी आया हमने उसकी समस्या को हल करके यहाँ से भेजा। जैसा कि कोरोना काल में सर इसमें इस समय सबसे ज़्यादा लोगों के दिल में डर बना हुआ था, लोग अब सबसे ज़्यादा लोग किसी का घर भी वीरान हो गए, मगर उसमें सर आपने अपने उस समय जाकर के लोगों को सेवा दी है, जिस वक्त लोग अपने घर से निकलने से भी डर रहे थे। देखिए लोगों को डर तो है, जहाँ कोरोना जैसी महामारी हो लोग 3 से 4 दिन में अपने कोरोना से जो डेथ हो जाती है, ऐसे में लोगों के बीच में डर जरूर पैदा होना ज़रूरी था, लेकिन लोगों की सेवा के लिए कहीं ना कहीं किसी को तो निकलना पड़ेगा। जब हम जनता के बीच में जनता की सेवा के लिए हैं तो हमें तो उनके बीच में अपनी सुरक्षा रखते हुए हम उनके बीच में गए और उनकी हमने सेवा की। नेताजी ने किस तरीके से लेकर के कोरोना काल में इन्होंने अपनी सेवा दी है, किस तरीके से जाकर के लोगों के बीच में शिकायत करके, कहीं ऑक्सीजन की शिकायत थी तो कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की, इन्होंने अपनी तरफ से जाकर के पूरी तरीके से इन्होंने काम करी। कैमरामैन पंकज के साथ आरिफ खान, न्यूज़ वन इंडिया। और कोंडली में पूर्वी दिल्ली जिला के कल्याणपुरी सब डिवीजन के एसीपी सुनील कुमार कोरोना काल में लोगों के लिए मसीहा बने हुए हैं। एसीपी सुनील कुमार इस महामारी में ज़रूरतमंदों तक लगातार मदद पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों ने सुनील कुमार का स्वागत पुष्प वर्षा कर किया, और सुनील कुमार सामाजिक संस्था के साथ मिलकर 100 ज़रूरतमंदों तक रोज़ाना राशन पहुंचाते हैं। वहीं सुनील कुमार ने बताया कि इलाके में कोई भूखा ना रहे, इसका प्रयास उनकी तरफ से लगातार किया जा रहा है। सामाजिक संस्था के साथ मिलकर ज़रूरतमंदों तक पके हुए भोजन और राशन पहुँचाया जा रहा है। साथ ही सुनील कुमार ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि इलाके के जिन लोगों को खाने की दिक्कत है वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो कोविड लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों को भी किसी भी कारणवश, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोगों की जॉब भी बंद हो गई है, नौकरी पे नहीं जा पा रहे हैं, तो हमारी कोशिश यही थी ये रेड फाउंडेशन के साथ मिलके कि इन्होंने फूड डिस्ट्रीब्यूट किया है लोगों में, ये हम जो ड्राई राशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है लोगों में। तकरीबन कितने लोग ये ऑलमोस्ट 100 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डेली, और ये काफ़ी अच्छी पहल है। तो ये जो चाहे वो गरीब तबका है या जिन लोगों के पास खाने पीने के लिए इशू है, तो उन सब के लिए काफ़ी मददगार चीज़ है। इसके अलावा हमने साथ में ये मैसेज भी दिया है कि भाई जो कोविड गाइडलाइंस है फूड डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे उनका भी पालन। दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, महरौली के एमसीडी स्कूल में मिला सड़ा हुआ अनाज, सांसद रमेश बिदूड़ी ने आप सरकार पर साधा निशाना, अरविंद केजरीवाल ने गरीबों के मुंह से निवाला छीना, राजनीति द्वेष के कारण गरीबों को मरने को किया मजबूर, स्कूल में मिली 1,000 टन सड़े हुए गेहूं और चावल की बोरियां, अपनी छवि चमकाने के लिए दिल्ली की जनता से किया धोखा, केंद्र को गलत साबित करने के चक्कर में किया धोखा, रमेश बिदूड़ी ने ये सारी बातें कही हैं। महरौली गाँव के वार्ड नंबर 1 में बने एमसीडी स्कूल में मिला अनाज। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा और मोदी साहब ने कहा है कि लोकतंत्र का मतलब है लोक कल्याण के लिए आप काम करें तो आप शासन करने वाले लोग हैं, ये मान्यता है भारतीय जनता पार्टी की। हम चुनाव के लिए राजनीति नहीं करते, राष्ट्रवाद के लिए और समाज के सम्मान के लिए राजनीति करते हैं। 2020 के अंदर ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड
देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लोगों के लिए 2 महीने का राशन पूरे देश के लोगों के लिए दिया था, उसमें दिल्ली के लोगों के लिए भी भेजा था, जिसमें 1,00,000 टन कम से कम गेहूं और चावल दिल्ली के विभिन्न स्कूलों के अंदर सड़ रहा है। केजरीवाल ने वो राजनीतिक द्वेष के कारण बांटा नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार ने वो राशन भेजा था, गरीबों के पेट में अगर वो चला जाता तो लोगों को पलायन नहीं करना पड़ता। अगर ये राशन समय पर लोगों को मिल जाता तो पिछली बार जो भी लाखों लोगों ने पलायन किया था, घर बार छोड़कर यहाँ से अपने घरों में गांव में चले गए थे कि यहाँ पर अगर कमाई नहीं होगी तो खाएंगे कहाँ से, वो अगर श्योरिटी लोगों को मिल जाती दिल्ली सरकार के माध्यम से, और वो केजरीवाल ने जेब से नहीं देना था, केंद्र ने देना था, लेकिन उसी राजनीतिक द्वेष के कारण से ये गेहूँ सड़ गया है, ये चावल सड़ रहा है, यहाँ पर सुलई लग गई है, इनके अंदर जाले पड़ गए, कीड़े पड़ गए, गल गया है अनाज, तो ये नेशनल लॉस भी है। कहीं ना कहीं इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। केजरीवाल, अगर आप हरीशचंद्र ईमानदार हो, आपके अंदर गैरत बची हुई है, तो आप जो जन लोकपाल की बात करते थे, जन लोकपाल बनाया नहीं, आप इसकी CBI जांच कराएं या CVC से जांच कराएं। रातों रात आप असिस्टेंट कमिश्नर को कल बदलते हो, क्यों बदलते हो, किस लिए बदलते हो, क्योंकि सारा पाप आपने उस कमिश्नर से आप लोगों ने करवाया है कि कल को वो कोई स्टेटमेंट ना दे दे सिटिंग रहते हुए, नया कमिश्नर आपने लाकर बैठा दिया है। संगठन पार्टी के और कौशिक फिजियो क्लिनिक के संस्थापक विनोद कौशिक फिजियोथेरेपी की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिसकी चमक देश में नहीं ही नहीं विदेशों में भी है। यही वजह है कि उसके यहाँ इलाज कराने आने वाले देश के साथ साथ विदेशी लोग भी शामिल हैं। कोरोना महामारी के दौरान उनके संगठन एक सहारा फाउंडेशन में 100 डॉक्टर्स की टीम की बदौलत हजारों लोगों का इलाज के साथ साथ मुफ्त सलाह सेवा प्रदान की जाती है, जिसकी वजह से कोरोना काल में सैकड़ों जानें बचाई जा सकी। साथ ही डॉक्टर विनोद कौशिक स्पेशल बच्चों के लिए KRC के नाम से एक स्कूल भी चलाते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर विनोद कौशिक, जो परिचय के मोहताज नहीं, और पैंडेमिक टाइम में एक कोरोना वॉरियर्स की तरह उन्होंने लड़ाई लड़ी है और सैकड़ों लोगों की जान बचाने में कामयाब रहे हैं। सर, ये जो आपका फिजियोथेरेपी सेंटर, इसके बारे में बताएं, कब से एस्टेब्लिश्ड और कितने लोगों को आप अब तक ट्रीटमेंट दे चुके हैं? देखिए, कौशिक फिजियो क्लिनिक जो हमने स्टार्ट किया, इसको 20 साल हो चुके हैं। 2001 में हमने स्टार्ट किया था। अगर बात की जाए काउंटिंग की, तो शायद लाखों पेशेंट यहाँ से ट्रीटमेंट करवा के जा चुका है और ठीक हो चुका है। और हमारे यहाँ पे कमर दर्द, सर्वाइकल, बैक पेन, इन सभी का ट्रीटमेंट होता है। और साथ साथ में चैरिटेबल एक फिजियोथेरेपी क्लिनिक भी खोला हुआ है, जो पेमेंट नहीं कर सकते उनको ट्रीटमेंट के लिए हम वहाँ भेज देते हैं। आपका एक सारा फाउंडेशन है, उसने डॉक्टरों की टीम बनाई और लोगों को मदद पहुँचाई, वो जानकारी साझा कीजिए। देखिए, जो एक सारा फाउंडेशन का जो हमारा प्रोग्राम था, ये हमने अभी स्टार्ट किया था डॉक्टर्स के साथ मिलके। तो डॉक्टर्स में इसमें हमने इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर्स को रखा, साथ में साइकोलॉजिस्ट को रखा, फिजियोथेरेपिस्ट को रखा, सारी टीम ने मिलकर जब काम किया तो पेशेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट हुआ। प्रॉब्लम क्या आ रही थी, पेशेंट्स के पास हॉस्पिटल में बेड नहीं थे, बेड ना होने की वजह से सब लोग बहुत पैनिक हो रहे थे, और कोविड में पैनिक होना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और पैनिक को ख़त्म हमने कैसे किया, सबको कॉल्स किया, सबके कॉल्स आए हमारे पास, वो हमने नंबर्स हर जगह वायरल किया, सब जगह भेजा, और फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन जब पेशेंट्स को मिला, जब पहले दिन से ट्रीटमेंट जब शुरू हुआ, पेशेंट्स को बहुत बेनिफिट हो। काफ़ी सारे डाउट ऐसे थे जो पेशेंट्स को नहीं मालूम था कि उनको कैसे ठीक होना है। जैसे कि फर्स्ट डे ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया, किसी आसपास क्वैक को दिखा दिया, उसने कहा कि आपको दवाई लेने का ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें हमने बंद करवाई। पहले दिन से एंटीबायोटिक और सारे मेडिसिन का कोर्स शुरू करके, साथ में पहले दिन से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाई गई, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से पेशेंट्स का जो ऑक्सीजन सेचुरेशन था बहुत इंप्रूव हुआ, पेशेंट्स की लाइफ बची, उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ा, वो घर पर ही ठीक हो गए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विनोद कौशिक, जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है, बल्कि लड़ना है, और लड़ने के टिप्स इन्होंने बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि दर्शक इस चीज का जरूर लाभ लेंगे। और राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में बीती रात आउटर रिंग रोड पर बाहरी जिला स्पेशल स्टाफ और एक इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई है। इसके बाद पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश के पास से पिस्टल बरामद कर ली गई है और उसे इलाज के लिए मंगोलपुरी के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी पर हत्या के प्रयास, लूट जैसे दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश का नाम अमन पिल्ले बताया जा रहा है, जो कि मंगोलपुरी थाना इलाके का ही घोषित अपराधी है और इस पर दर्जन भर से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी जेल से पेरोल जंप कर फिलहाल फरार चल रहा था। इसके अलावा हत्या के प्रयास मामले में वांटेड था, जिसकी मंगोलपुरी थाना पुलिस समेत दिल्ली पुलिस की तमाम टीमें तलाश कर रही थी।
दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट के जहांगीरपुरी इलाके के डी ब्लॉक की गलियों में बीते बुधवार रात को उस समय दहशत का माहौल पैदा हो गया जब करीब 50 लड़कों ने कई प्रकार का असलाह लेकर जमकर उत्पात मचाया। जो कुछ भी सामने दिखाई दिया उसको उपद्रवियों ने तोड़ दिया या फिर उसे तोड़ने की कोशिश की। आलम यह है कि डर के कारण महिलाएं घरों तक में चीखती रहीं। मौजूद है इस वक्त दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में जहां बीती रात कुछ उपद्रवियों ने आतंक मचाया जहांगीरपुरी के डी ब्लॉक इलाके में, और करीब 50 से ज़्यादा जो बताया जा रहा संख्या में लोग थे जो बाकायदा सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हैं। किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में डंडा, तो किसी के हाथ में बैस बल्ला था, और वो तमाम लोग यहाँ पर आए, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि वो किस वजह से यहाँ पर आए थे, किस इरादे से यहाँ पर आए थे, किस पे उन्होंने हमला करना था। लेकिन उन्होंने यहाँ पर आकर कई गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया, कई ऑटो रिक्शा के शीशे तोड़ दिए, कई गाड़ियों के रिक्शे तोड़ दिए। हमारे साथ चश्मदीद मौजूद हैं जो रात को यहाँ पर थे, उनसे भी बात करते हैं कि क्या हुआ था, क्या पूरा मामला था। पहले नाम बताइए। विक्की नाम है जी मेरा। हाँ विक्की, क्या हुआ था? वो जी मैं रात को खाना खा के घूम रहा था, यहाँ देखा एकदम झुंड सा आया, 50-60 आदमी थे, और किसी के हाथ में बेस बल्ला, हॉकी रॉड, बहुत सारी चीज़ें लेके उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी कि यहाँ पे कुछ हुआ है। पीछे भी एक मर्डर हुआ उधर, उसकी भी कोई पुलिस ने तहकीकात नहीं की, उन इस पर लचक्का भी जाम करने लगे ये लोग, और बहुत से लोग आए और बेस बल्ला लेके गाड़ियों के शीशे फोड़े उन्होंने, कई रिक्शे। क्या लग रहा है ये लोग उसी से जुड़े हुए थे या कोई और? ये तो जी मेरे को ऐसे कह नहीं सकते हैं कि कौन थे क्या था, लेकिन झुंड था, बस तबाही मचाते हुए चलते गए ये लोग। देख सकते हैं यहाँ पे अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर खुलेआम जो है इलाके में बैस बल्ले, डंडे और हथियार लेके घूम रहे हैं, और कई गाड़ियों को जो है उन्होंने यहाँ पर नुकसान पहुँचाया और नुकसान बुला के चले गए। फिलहाल दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर जो है इस मामले की जाँच हो रही है, और सीसीटीवी फुटेज से ही उन लोगों की पहचान की जा रही है। करीब 50 से ज़्यादा लोग हैं जिनकी पहचान करने की बात दिल्ली पुलिस कह रही है, और उनको जल्द ही गिरफ्तार कर। और दिल्ली के पौश इलाके मुखर्जी नगर में बेखौफ बाइक सवार चोरों का आतंक देखने को मिला है, जहां बाइक सवार चोरों ने बड़ी होशियारी के साथ स्विफ्ट डिजायर कार पर हाथ साफ कर मौके से फरार हो गए। वहीं बाइक सवार चोर गैंग की करतूत वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई कि किस तरह चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। मैं 457 मुखर्जी नगर थर्ड फ्लोर पर रहता हूँ। 2 तारीख को जब मैं अपने घर से उतरा तो मैंने देखा कि मेरी कार वहाँ पर नहीं थी। मैंने सीसीटीवी कैमरे में फुटेज को जब देखा तो मैंने देखा कि एक गिरोह है जो वाइट डिज़ायर में आया और उसने आराम से मेरी कार को खोला और उसने सारे लॉक वगैरह तोड़ के वो मेरी कार ले गए, और उस फुटेज में उनकी शक्लें भी काफ़ी क्लियर हैं जिनसे इस गिरोह की शिनाख्त हो सकती है। तो मेरे आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द इस गिरोह को पकड़ा जाए ताकि मेरी तरह और लोग परेशान ना हो। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।